हेलो फ्रेंड्स, निकिताज किचन फूड चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ ये सिंपल केक डेकोरेशन का वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये हाफ के जी का केक है और ये बटरस्कॉच फ्लेवर में है। तो केक को मैंने पहले से ही आइसिंग करके रखा था, तो ये फ्रिज में अच्छे से सेट हो गया है। केक को आइसिंग कैसे करना है, उसे क्रीम कैसे लगाना है, ये पहले बहुत सारे वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। इसलिए आज मैंने पहले से ही केक को आइसिंग करके रखा था। अब इसका डेकोरेशन कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये येलो कलर का जेल लिया है। इसके लिए मैंने जेल में येलो कलर डाला था और एक बूंद ही मैंने वाइट कलर डाला था, तो इस तरह का ये कलर बना है। तो ट्रांसपेरेंट येलो कलर नहीं बना है, थोड़ा सा इसका मिल्की शेड है, आप देख सकते हैं। और एक साइड से मैंने यहाँ पर ड्रिपिंग दिया है, तो पूरे केक को मैंने ड्रिपिंग नहीं दिया है, सिर्फ एक ही साइड से दिया है। अब यहाँ मैंने ये 2C नंबर का नोज़ल लिया है। पाइपिंग बैग में मैंने एक साइड से येलो कलर डाला था और बाद में इसमें क्रीम डाला था, तो एक साइड से यहाँ पे येलो कलर दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में, इसमें येलो कलर का शेड आ रहा है। और यहाँ मैं इस तरह से ये स्टार बना रही हूँ, जैसे हम मोदक बनाते हैं सेम उसी तरह से। ये जो नोज़ल है ये 2C नंबर का नोज़ल है, तो यहाँ मैंने स्टार बना दिए हैं। अब यह दूसरा नोज़ल मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसका कोई नंबर नहीं है, ये सिंपल सा नोज़ल है। और उसी की मदद से मैं यहाँ पे, जैसे हमने ये मोदक बनाए थे उसी तरह से मैं थोड़े बड़े यहाँ पे डॉट बना रही हूँ। आप वीडियो में देख सकते हैं जिस तरफ से मैंने ये ड्रिपिंग दिया था, उसी तरफ से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ, तो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो ये डिज़ाइन जो है ये बना के हो गई है। अब यहाँ मेरे पास कुछ चॉकलेट डेकोरेशन है, तो इसे मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट करके उसमें ग्रीन जेल कलर डाला था और ये मोल्ड में डाल के इस तरह का ये डेकोरेशन बनाया था, तो वो मैं केक के ऊपर लगा दूंगी। और अब जो केक की बची हुई साइड है वहाँ पे मैं थोड़े से ये शुगर बॉल्स है वो लगा दूंगी। तो ये शुगर बॉल्स जो है ये छोटे बड़े दोनों साइज़ में मेरे पास है, तो वो मैं डाल दूंगी। और ये डेकोरेशन जो है ये हो गया है, सिर्फ बॉर्डर हमारी बच गई है। तो यहाँ सेम नोज़ल का मैं यूज़ कर रही हूँ बॉर्डर बनाने के लिए, जो हमने ऊपर डॉट बनाने के लिए यूज़ किया था। और सेम उसी तरह के डॉट मैं बना रही हूँ, सिर्फ थोड़े छोटे साइज़ में मैं यहाँ पे बॉर्डर बना रही हूँ। जो डॉट है वो छोटे साइज़ में बना रही हूँ, तो इस तरह की बॉर्डर दिखने में बहुत ही अच्छी दिखती है। तो बॉर्डर जो है वो बना के हो गई है। अब सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का एक टैग लगा दूंगी। तो केक जो है वो हमारा पूरी तरीके से डेकोरेट हो गया है। तो ये केक का डिज़ाइन आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।